हजारों करोड़ का माल जाता है यहां से विदेशों में, सोना है ये सोना। इज्जत करते हैं लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है, कभी भी खत्म हो सकता है। क्या रॉकी के पास है अंडरकवर एजेंट? रमिका सेन ने चली बड़ी चाल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली रिलीज वीडियो में देखा कि रॉकी अभी भी जिंदा है और वो पहुंच गया है मुंबई। मुंबई जाकर उसने रमिका सेन को भी अपने होने का थोड़ा सा हिंट दे दिया है। लेकिन क्या आपने सोचा कि आखिर रमिका सेन मुंबई में क्या कर रही है? तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो और देखें कि आखिर क्या है रमिका का प्लान और क्या होने वाली है आगे की स्टोरी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी सिनेमा दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज KGF चैप्टर 3 के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ध्यान से देखी हो तो रॉकी भाई रमिका से मिलने कहीं बाहर नहीं, उनके अपने ऑफिस में गए थे, जिसका मतलब है कि रमिका सेन मुंबई से ही अपना सारा काम ऑपरेट कर रही है। असल में रमिका सेन का मुंबई में एक पार्टनर है जिसके साथ वो मिलकर रॉकी भाई को पकड़ने का प्लान बना रही है। वो पहले ही जानती थी कि रॉकी इतनी आसानी से नहीं मर सकता और इसीलिए उसने पहले ही रॉकी के दुश्मन को दोस्त बना लिया, क्योंकि ये बात वो अच्छे से जानती थी कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। और जब रॉकी भेस बदल कर आया और उसने अपने ही बारे में बात की, तो रमिका सिर्फ अनजान बनने का नाटक कर रही थी। जैसे ही रॉकी उसके ऑफिस से बाहर चला जाता है और ये सोचता है कि उसने रमिका को अपने जाल में फंसा लिया, तभी रमिका सेन एक कॉल करती है और कहती है, हम सही थे, वो आ गया है। अभी मेरे ऑफिस में एक अजीब सा आदमी आकर रॉकी के बारे में बात कर रहा था, अब हमें भी अपना खेल खेलना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ तक कि रमिका सेन ने अपने ऑफिस के बाहर भी अपने सच के सेक्रेटरी खड़े नहीं किए थे, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी जान को खतरा है। वो रॉकी के हर कदम पर नजर डाले हुए थी। अब रॉकी रमिका के ऑफिस से आकर अपनी मुंबई की छिपी माइंस में जाता है और वहाँ पूरा सन्नाटा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई भी नहीं है। वो अंदर घुसते ही चीखता है, कोई है? अरे कहाँ गए सब? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अब दोस्तों, आखिर क्या होगा आगे? क्या रमिका ने उसकी माइंस के लोगों का कर दिया है मर्डर? जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।